डकी भाई बना रिक्शा वाला। एक हसमुख और पुराना रिक्शा ड्राइवर था। रोज की तरह आज भी वो अपने रिक्शा को साफ करने में मसरूफ था। हम लो जी फास्ट एंड फास्ट रिक्शा सर्विस, घंटों का सफर मिनटों में। आओ भाई आओ, डक्की के रिक्शा की राइड लो। और साथ ही साथ वो अपने आप से बातें कर रहा था। रिक्शा ड्राइवर की जिंदगी कभी भी डुल नहीं हो सकती, आप कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। वाह भाई वाह, कमाल की जिंदगी है रिक्शा ड्राइवर की भाई। वाह भाई वाह, आए हाय 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 हाय। और फिर एक टूरिस्ट डक्की भाई के पास आया और बोला, Hey, can you take me to the Faisal Qureshi house? हमारे गांव में तो बहुत फैसल है, आपको किस फैसल साहब के पास जाना है? कोई अता पता है आपके पास? टूरिस्ट एक कागज निकाल कर डक्की को देता है। This is the address of the house. I am his friend from London and I came for a village visit. ओ अच्छा अच्छा भाई, आजो आजो आजो, बिल्कुल सही बंदे के पास आए हो आप, मैं आपको पहुंचा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। Can you take me to the house? Of course, sir. लेकिन जरा कस के पकड़ लेना, ये राइड बहुत खतरनाक होने वाली है। आए हाय 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 हाय। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आपका भाई डक्की भाई आपके साथ है भाई। डक्की ड्राइविंग शुरू करता है, टूरिस्ट को गांव की कच्ची सड़क पे ले जाता है। टूरिस्ट चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, स्लो स्लो प्लीज प्लीज स्लो प्लीज स्लो। अरे सर घबराना नहीं है आपने, आपका भाई आपका दोस्त आपके साथ है, जल्दी पहुंचा दूंगा मैं आपको। हम वो फाटक वाले रास्ते से चलते हैं, फोर शॉर्टकट है भाई, शॉर्टकट। जैसे ही रिक्शा फाटक वाली रोड पे आया तो डक्की ने देखा कि फाटक का गेट तो बंद था। आए हाय सत्यानाश, ये गेट भी अभी बंद होना है। इतने में उसको गेट के साथ एक वुडन कार्ट नजर आई तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने स्पीड कम करने की बजाय और तेज कर ली। नो 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 प्लीज स्टॉप, गेट इज क्लोज, प्लीज स्टॉप स्टॉप। ओ टूरिस्ट साहब भाई, मेरे होते हुए आपने टेंशन नहीं लेनी, आपका भाई टिक्की भाई आपके साथ है भाई। ये कहते ही उसने रिक्शा को उस वुडन कार्ट के ऊपर से गुजार के हवा में उड़ा दिया। अल्लाह अल्लाह करके वो लैंड तो हो गए, लेकिन पैसेंजर बोला, आर यू क्रेजी मैन? ओ ना जी ना, पैसेंजर को टाइम से पहुंचाना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है भाई। आए हाय। और डोंट वरी सर जी, मैं आपको बहुत सारी घुमाने फिराने की जगह बताऊंगा, आपको चस आ जाएगी देख के। आपको पता है सर जी, मैं 20 साल से रिक्शा चलाता हूँ और मैंने सब कुछ देखा है, क्रेजी टूरिस्ट से लेकर क्रेजी ट्रैफिक तक। टूरिस्ट हंसते हुए बोला, मैं समझ जाता हूँ, आप सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट रिक्शा ड्राइवर हैं जिनसे मैं कभी मिला हूँ। शुक्र है भाई, कोई तो मिला जो राइड को एंजॉय कर रहा है। सर आपने लोकल स्ट्रीट फूड यहाँ ट्राई किया है? वाह 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 वाह, ये तो मजा ही आ जाना है आपको। टूरिस्ट हंसने लगा और फिर दे फाइनली अराइव द हाउस। How much do I pay you? Oh, don't worry, sir, about it. Just give a good review on Rickshaw Ride to the people. Or don't forget to mention my expert Rickshaw Drifting skills. Bhai, 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 Rickshaw Drifting skills. Tourist hasne laga aur bola, Sure, sure, I will. You are a good auto driver. I enjoy auto, but you are a very fast, crazy man. ओ छड़ो जी, अभी आपको हमने अपनी फास्ट सर्विस दिखाई ही कहाँ है, कभी दोबारा बैठना जी हमारे ऑटो पे, फिर आपको घुमाएंगे शहर पूरा का पूरा। It's too funny. ये कहकर पैसेंजर वहाँ से चला गया और फिर डक्की भाई गुनगुनाता हुआ वापस चला गया। छोटी जी गड्डी ते नीले नोट कमाइए नी, आवे मित्रा दे ऑटो ते तेनु शहर दा शहर घुमाइए नी। आए हाय हाय हाय।